सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे आप फिंगरप्रिंट कैसे इनेबल कर सकते हैं। आपके बिना फिंगर के आपका व्हाट्सएप नहीं खुलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करके हम देखते हैं कि कैसे आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है। तो इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप में आ जाना है। व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ पे ऊपर में कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, सो ये अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक सिक्योरिटी का प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको प्राइवेसी के ऊपर जाना है। प्राइवेसी के ऊपर जाने के बाद आपको नीचे में आना है और यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट लॉक दिखेगा और ये डिसेबल रहेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। और यहाँ से ये ऑफ रहेगा तो आपको इसे ऑन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे में हो तो आप पीछे में डाल के वेरीफाई करिएगा। मेरे में तो ये फ्रंट में ही है स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ऑटोमेटिकली लॉक, यानी कि इमीडिएटली के ऊपर अगर आप रखते हो तो आपका फ़ोन जो है वो जब भी आप लॉक करोगे फ़ोन, तो आपका ये व्हाट्सअप भी है जो लॉक हो जाएगा। लेकिन एक मिनट के अगर कर देते हो आफ्टर एक मिनट, तो आप अपना फ़ोन को लॉक भी करते हो तब तक ये एक मिनट ना हो तब तक वो आपका एप्लीकेशन ओपन ही रहेगा। तो मैं इमीडिएटली रहने देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। सो अब हमारा फाइनली जो है व्हाट्सअप पे फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मैं अपने फ़ोन को एक बार लॉक कर लिया, उसके बाद मैं अनलॉक करता हूँ अपना फ़ोन। अब देखिए मैं व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक हमसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे जब तक कि हम फिंगरप्रिंट लॉक नहीं देंगे तब तक हमारा फिंगरप्रिंट बाईपास नहीं हो पाएगा और हम व्हाट्सएप पे नहीं खुल पाएंगे। सो यही मुझे आप सभी को दिखाना था, तो एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए मैं व्हाट्सएप से बैक हो गया हूँ। फिर से मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। अगर फिंगरप्रिंट आप नहीं दोगे तो आपके छोड़ के कोई दूसरा पर्सन जो है वो आपका व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख सकते हो एक क्लिक हमने फिंगर को लगाया और हमारा फिंगरप्रिंट जो है वो ओपन कर दिया हमारा व्हाट्सएप को। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता था। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो अगर आपको इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनवाना है, कुछ नए तरह का ट्रिक्स चाहिए, तो आप हमें कॉमेंट्स करके आप हमें बता सकते हो। उसमें हैशटैग आपको डालना है ट्रिकर अमित और वहाँ पर अपना सवाल डालना है, मैं उसका जवाब आपको रिप्लाई करके दूंगा और एक नया वीडियोज़ बनाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।